आज मैं बना रही हूँ एकदम सिंपल पिज़्ज़ा जो बहुत कम सामान के साथ बन जाता है। तो देखिए, मैंने ये मार्केट से रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस ले लिए हैं। इस पैकेट में दो पिज़्ज़ा बेस होते हैं, तो मैं अभी एक ही पिज़्ज़ा बनाऊंगी। तो हमने एक पिज़्ज़ा ले लिया है इसमें से। ये एकदम सिंपल पिज़्ज़ा है, बहुत ही इजीली बन जाता है और 10 मिनट में ही रेडी हो जाता है। तो इस पे हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। और गाइस, अभी मेरे पास मोज़रेला चीज़ नहीं है, तो मेरे पास अभी घर पर यही चीज़ स्लाइस रखे थे, तो मैं इसी से आपको सिंपल पिज़्ज़ा बनाकर बताती हूँ। तो हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। ये सिंपल पिज़्ज़ा है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ वेजिटेबल्स या कुछ और नहीं जाएगा। सिर्फ इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ करेंगे और ये चीज़ स्लाइस। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने चीज़ स्लाइस ही यूज़ कर लिए। तो हम इसमें अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस को की टॉपिंग कर देंगे इस पे, पिज़्ज़ा बेस के ऊपर। और गाइस, में पहले बटर भी लगता है सॉस से पहले, लेकिन मैंने नहीं लगाया था क्योंकि मुझे ये सिंपल वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम इस पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ स्लाइस लगाएंगे। इसमें 3 से 4 चीज़ स्लाइस लग जाएंगे एक पिज़्ज़ा पर, तभी इसका टेस्ट आएगा। तो देखिए, मैंने छोटे छोटे पीस में चीज़ स्लाइस को पिज़्ज़ा के ऊपर रख दिया है। पिज़्ज़ा की टॉपिंग कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो इसे और छोटा छोटा कर सकती हैं। तो मेरे यहाँ पर 3 स्लाइस लग गए थे। आपको ज़्यादा चीज़ अगर पसंद है तो आप 4 भी लगा सकती हैं इसके ऊपर, लेकिन मैंने 3 ही लगाए थे। और ये बहुत झटपट और इजी बेक होने वाला पिज़्ज़ा है। अगर आप शाम में आपको चाय के साथ या वैसे भी दिल चाह रहा है, हल्की फुल्की भूख लग रही है, तो इसको 10 मिनट में रेडी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल दिए थे 1 पैकेट। फिर देखिए, इसे मैंने ओवन को प्रीहीट किया हुआ था, उसमें मैंने पिज़्ज़ा को बेक होने के लिए रख दिया। हमारा पिज़्ज़ा 7-8 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में बेक हो गया था। तो आपका जब भी दिल चाहे, घर बैठे बैठे 15 मिनट में अपना पिज़्ज़ा रेडी कर सकती हैं। और देखिए, यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा बेक हो चुका था। इसमें हमने टमाटो सॉस, केचप आप जो यूज़ करना चाहें, और जितना चाहें ये आपके टेस्ट के ऊपर है, मैंने कम ही डाला था। और हमारे पास देखिए अभी कटर नहीं है, इसलिए मैं नाइफ से इसे कट कर रही हूँ। ये नाइफ से भी इजीली कट हो जाता है पिज़्ज़ा। तो इसके मैंने 4 पीस कर लिए थे और बहुत ही अच्छा टेस्टी पिज़्ज़ा बना था, एकदम सिंपल पिज़्ज़ा। तो देखिए गाइस, ये है हमारा सिंपल पिज़्ज़ा। आप भी बनाएं, खाएं, इंजॉय करें, अपनी फैमिली को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, सब लोग इंजॉय करें 15 मिनट में पिज़्ज़ा बनाकर।